फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, लेकिन आखिरकार राष्ट्रपति महोदय जी क्या अकेले से उनकी नियुक्ति कर देते हैं या फिर किसी के परामर्श की भी आवश्यकता होती है? तो आज हम लोग इसी प्रश्न को एग्जाम्पल के परिप्रेक्ष्य में मैं भैया से पूछने वाली हूँ। तो चलिए मैं पूछती हूँ भैया से। तो भैया, आप मुझे बोर्ड पे एग्जाम्पल के परिप्रेक्ष्य में बताइए। यस, देखिए, आपका क्वेश्चन यह है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं, लेकिन किसके किसके परामर्श पे? तो आज मैं आपको बता दूं, ये कौन हो गया? राष्ट्रपति महोदय जी। राष्ट्रपति राज्य का राज्यपाल हो गया। यस। अब इधर ले लो, सर्वोच्च न्यायालय। ये तीन व्यक्ति हैं। अब जैसा कि मैं यहाँ पे देखिए बना दे रहा हूँ, ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ना। अब इसमें बीच में कौन बैठा है? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ना। Yes. अब इधर मैं बना दे रहा हूँ उच्च न्यायालय, और यही सीट खाली है मुख्य न्यायाधीश का। और ये हो गए अन्य न्यायाधीश। ओके, अब बात यही आ रहा है कि जो राज्य के, यानी ये हो गया उच्च न्यायालय, उच्च न्याय न्यायालय, ठीक है। बात तो इसी का हो रहा है कि उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो किसके किसके परामर्श पे करते हैं? तो देखिए, राष्ट्रपति महोदय जी इनको नियुक्त करने के लिए, यानी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए राज्य के राज्यपाल का परामर्श लेते हैं। इनके साथ साथ, यानी सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, साथ में इनकी भी परामर्श लेते हैं, यानी दो लोगों का परामर्श लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लेते हैं और उच्च न्यायालय, यानी जिस राज्य में उनका नियुक्ति किया जा रहा है, राज्य के राज्यपाल का, दो लोगों का नियुक्ति, मतलब इन दोनों लोगों का परामर्श लेते हैं, तब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का नियुक्ति करते हैं। अब बात यह आता है अगर कि इन दोनों व्यक्तियों का नियुक्ति, मतलब जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नियुक्ति करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श लिए और राज्य के संबंधित राज्यपाल का परामर्श लिए। अब बात यह उठता है कि उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति किसके परामर्श पे किया जाता है? बिल्कुल। तो देखिए, इन दोनों के परामर्श पे किया गया उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति। हाँ। यानी मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के संबंधित राज्यपाल, इन दोनों का तो परामर्श लिया ही जाएगा, इसके साथ साथ जो मुख्य न्यायाधीश हैं उच्च न्यायालय के, इनका भी परामर्श लिया जाएगा। हाँ, यहाँ पे एक व्यक्ति और शामिल हो गया, ये कौन है? ये है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हाँ, उच्च न्यायालय
लय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ओके। अब बात यह समझना है, देखिए कि उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति किसके परामर्श पे किया जाता है, तो सीधा सीधा है चार लोग हैं, चार लोग ना। अब ये चार लोग कौन कौन हैं? चार लोग नहीं है, तीन लोग हैं, एक तो करते ही है। हाँ, एक लोग तो करते ही हैं। देखिए बात ये समझ में आए, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के संबंधित राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इन तीनों के परामर्श पे राष्ट्रपति महोदय जी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अन्य न्यायाधीश कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, समझ में आ गया? यस, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। तो एक बार मैं भी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि आपने किस तरीके से समझाया, तो मुझे भी समझ में आ गया जिस तरीके से इन्होंने एग्जाम्पल के परिप्रेक्ष्य में समझाया है। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रिक जो बताए हैं किस तरीके से, सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने जो ये बनाया है, ये जो आप देख रहे हो ये हो गया पूरा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा हो गया सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय में ये जो पद देख रहे हो ये पद है मुख्य न्यायाधीश का, और यहाँ पे जो बाकी पद हैं ये है अन्य न्यायाधीश का, ठीक है। अब आ जाइए इधर, अब यहाँ पे जो इन्होंने ये बॉक्स बनाया है ये समझ लो हो गया क्या, ये हो गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश का पद है वो ये है, और जो बाकी अन्य न्यायाधीश की पद है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ भी बीच में बैठे हैं राष्ट्रपति महोदय जी, जो कि आप जानते हो कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तो करते हैं, लेकिन आखिरकार वो किसकी सलाह पे करते हैं, तो मेरा तो प्रश्न यही था। तो यहाँ पे भैया ने बताया कि जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं इनकी सलाह ये लेंगे, और इसी राज्य यानी कि यहाँ जो उच्च न्यायालय है इसी राज्य के संबंधित राज्यपाल का भी ये क्या करेंगे, परामर्श लेंगे, है ना, परामर्श लेंगे। अब यहाँ पे दो लोग का ये परामर्श ले रहे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, दूसरा संबंधित राज्य के राज्यपाल का परामर्श लिए। तो जब इन दोनों का परामर्श लिए राष्ट्रपति महोदय जी, तो यहाँ पे किसकी नियुक्ति की है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। लेकिन अगर मैंने आपसे वही बात किया कि जो अब बताइए जी, अब जो हाँ जो मैंने आपसे दोबारा प्रश्न किया कि उच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति आखिरकार किसके किसके परामर्श से करेंगे, ये तो इन दोनों के परामर्श पे होगा, हाँ, ही होगा। लेकिन जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति किया गया है बिल्कुल उनका भी परामर्श। अब देखो यहाँ समझो आप, जब यहाँ पे आपने कहा मैं समझ गई, क्योंकि यहाँ पे जो अन्य न्यायाधीश है भाई, हाँ अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में जो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात मैंने किया, तो जानते हो उच्च न्यायाधीश के अन्य उच्च न्यायालय के जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे तो भाई यहाँ पे इससे सीनियर तो यहाँ पे ये बैठे हैं ना मुख्य न्यायाधीश, तो इनका भी परामर्श लिया जाएगा। मतलब कुल मिला के तीन व्यक्ति का परामर्श लिया जाएगा किसकी नियुक्ति करने के लिए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की। और वही बात करें मुख्य न्यायाधीश की, तो दो लोग की, एक तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा संबंधित राज्य के राज्यपाल। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को एग्जांपल के परिप्रेक्ष्य में ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट करना, हम ऐसे नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पे समझाया गया है आपको समझ में आ गया होगा, मैं ऐसा करता हूँ। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।